나라무라 군주 땅반제 부정 남아 아 사마달리아 다시지 오르 사마직 가야카르타 जनता के कार्यकर्ता आए यहाँ उपस्थित सभी विद्वान और आदरणीय महिलाएं और बहनों मेरा यहाँ कहने के विषय तो तिब्बत में बौद्ध धर्म का संदेश था लेकिन वो पेपर में को मुझे मिला नहीं। मैं इस बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि हिमालय और हिंद महासागर और राष्ट्र ये सब विषय में विचारों की समानता और सब लोगों की जीने के स्वतंत्र रूप से जीने की इच्छा और सब लोग अपने देश में अपने घर में सुख से जीने की इच्छा रखने वाले सब एक जैसा है, ये क्यों उसमें मतभेद नहीं है। मुझे तो कहा था कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का विकास कैसा हुआ, लेकिन तिब्बत में बौद्ध धर्म का विकास तो बाद में हुआ है। ऐसा बुद्ध के जमाना में भी बहुत से देवता अदेवता या असुरा नागा और गंधर्वा और किन्नर इस तरह के सो लोग बहुत लोग और बुद्ध के वचन सुनने में है। तो वो लोग सौ तिब्बत के लोग भी थे, बुद्ध के और जापान के लोग भी थे और चीन के लोग भी थे, कई और लोग भी थे वो। लेकिन उसकी परंपरा उसके बाद कैसे चला इसका कोई सिलसिला इतिहास में नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। लेकिन बौद्ध धर्म का विकास जो है धीरे धीरे करके हमारे देश में यानी भारत से बाहर जाने का शुरुआत जो है वो लगभग अशोक के ज़माने में हुआ है। उन्होंने बहुत सारे बंतियों को बहुत सारे अर्हतों को बाहर प्रचार करने के लिए भेजा था। उस समय बागेश्वर करके हम हिमालय के बारे में बोलेंगे तो हिमालय के बारे में भी उन लोगों ने अशोक के ज़माने में और बहुत से बंदी लोग धर्म प्रचार के लिए भेजे थे। तो इस तरह से जैसे हमारे हिमाचल है, कुल्लू है में है और जंस्कर वगैरह में है, तो ये सब शिलालेखों को देख करके उस समय वहाँ बहुत धर्म पहुँचे थे लेकिन उसके परंपरा चला नहीं वो तो। लेकिन बाद में तिब्बत में बौद्ध धर्म का विकास बहुत देर से हुआ है। मैंने लिखा था कि ये बौद्ध धर्म का विकास सामान्य रूप से पांचवीं शताब्दी के आसपास हुआ हो, पांचवीं शताब्दी के आसपास हुआ। पांचवीं शताब्दी के आसपास के बाद में तिब्बत में बौद्ध धर्म के संदेश जिसके कान में, जिस राजा के कान में गया, जिस जनता के कान में गया, वो था थोदोरी न्यंजन है। तो उस समय पे बौद्ध धर्म का पुस्तक पहुंचा और बौद्ध धर्म के जाने वाले पंडित पहुंचा, बौद्ध धर्म को तिब्बत में भाषा में अनुवाद करके बोलने वाले लोजावा पहुंचा। तो फिर भी तिब्बत के लोगों को उस समय का उस धर्म के परिचय नहीं था वो, जिसके वजह से वो वहाँ चला नहीं, वो चला नहीं है। ये सब हमने लिखा, छोड़ दीजिए। तो उसके बाद लगभग छठी शताब्दी के शताब्दी के जो समय में बौद्ध में तिब्बत में बौद्ध तिब्बत के महाराजा सोंगत्सेन गंबो आया था। तो उन्होंने चाइना से चाइना राजकुमार से शादी किया, नेपाल के राजकुमार से शादी किया। उसके बाद चीन और नेपाल के साथ तिब्बत के जनता का संपर्क हो गया।
और तब से जा करके बौद्ध धर्म धीरे धीरे करके सोचा गंभ के जमाने में अध्ययन अध्यापन का शुरू वहाँ से शुरू हुआ है। ये लगभग छठी शताब्दी का है। तो ये सब भारत के बहुत नज़दीक होने के पर भी बाद उसके पहले चीन में पहुँच चुका है और जगह पहुँच चुका है, श्रीलंका तो बहुत पहले पहुँच चुका है, तो आसपास के देशों में बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा पहले पहुँच चुका है, लेकिन तिब्बत इतना नज़दीक हुई होते हुए भी वहाँ पर बौद्ध धर्म नहीं पहुँचा। तो इसका मुख्य कारण मुख्य रूप से चार यूनिवर्सिटी है, क्योंकि उस समय दुनिया में कहीं भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं था, लेकिन भारत में चार यूनिवर्सिटी था उस समय। तो चार यूनिवर्सिटी में एक तो है तक्षशिला, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और दूसरा है नालंदा, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और तीसरा है उदंतपुरी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और चौथा है विक्रमशिला। तो ये चारों यूनिवर्सिटियों में बौद्ध धर्म के साथ साथ भारत के हर अध्ययन विद्या का अध्ययन होता है। उस विद्या के अध्ययन करने के लिए तिब्बत के बहुत से विद्यार्थी वहाँ से संपर्क में आया है, तब से लेकर के बौद्ध तिब्बत के जनता के साथ बौद्ध धर्म का संपर्क हो गया है। तो संपर्क होने के बाद खासकर जब आठवीं शताब्दी के अंदर पंडित महापंडित शांताराक्षी पहुँचे, बड़े आचार्य तांत्रिक आचार्य ओडियाना के आचार्य पद्म संभव पहुँचे, तो उन लोगों ने बहुत की जनता को बहुत बौद्धों की जो लड़का लड़की जनता को बुला करके बहुत धर्म सिखाने की जो कोशिश किया तो वो तो हो नहीं पाया। तो बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत जो है वो मुख्य रूप से भारत में मुख्य चार साहित्य भाषा होती है। तो एक संस्कृत है, एक पाली है, तो पाली को मुख्य मगधी प्रसिद्ध मगधी भी कहते हैं, पाली है, एक प्राकृत है, एक अपभ्रंश है। तो उसमें से तिब्बती जनता को जो उन भाषाओं में जो बोलने की सीखने को शुरू किया तो उसके मुँह से संस्कृत निकला नहीं हो, तो प्राकृतिक नहीं निकला, तो अजीब अजीब भाषा तो बोलने लग गया। तो तब से सोचा कि बुद्ध ने कहा कि बहुत हमारी धर्म जहाँ जहाँ प्रचार होगा वहाँ संस्कृत में होना जरूरी नहीं है और पाली में होना जरूरी नहीं है, प्राकृतिक होने में जरूरी नहीं है, अपभ्रंश में होना जरूरी है, अपने आप अपनी भाषा में सीखो। तो बुद्ध ने कहा, एक बार उसके विनय में कहा था, अनुजाना में लिख रहे स्वकाय निकाय बुद्ध वचन स्वस्थाय निकाय बुद्ध वचन है, अपने अपनी भाषा में सीखो तब जाके सीखेगा। तो ये वचन को लेकर के तिब्बती लोगों ने आचार्य पद्म संभव और आचार्य शंकराचार्य बुद्ध ने बौद्ध धर्म को तिब्बती भाषा में अनुवाद करना शुरू कर दिया, और चीन वालों ने चीनी भाषा में अनुवाद करना शुरू कर दिया। तब जाकर के चीन और बौद्ध तिब्बत में बौद्ध धर्म का बड़े विस्तार से बड़े सरलता के साथ विचार विकास हो गया। पूरे बौद्ध धर्म का संदेश जो है तिब्बत के एक एक लोगों के बीच में नहीं है, मंदिरों में नहीं है, जनता में पहुंच गया, किसी के घर में पहुंच गया। इसीलिए तिब्बत में बौद्ध धर्म का जो असली विकास हुआ, असली विकास जो है छठी शताब्दी से आठवीं शताब्दी के अंदर हो गया है। तो उसके बाद जो यहाँ से हिंदू सिद्धांत में किसी तरह से तो इतिहास हम दोनों नहीं चाहते हैं, बौद्ध धर्म इसके
कारण भाषा बहुत तरह का धीरे धीरे लुप्त हो गया है, जनता में लुप्त हो गया, बहुत तरह का लुप्त नहीं हुआ कि जनता में लुप्त हो गया। जनता में लुप्त होने की वजह से हिमालय के लोगों को बहुत रंग का प्रचार करने वाला, प्रसार करने वाला, उनको दिखाने वाला, पढ़ाने वाला लगभग बंद हो गया था। तो इसलिए हिमालय के लोग कई शताब्दी होता है, तीन चार लगभग दो तीन शताब्दी शताब्दी के अंदर पुराने भाषा का पुराने धर्म के परंपरा को छोड़ कर छूट जाने के बाद लगभग अधर्म जैसा ऐसा ही ऐसा ही गया। तो इसलिए तिब्बत में तिब्बत के भाषा में तिब्बत में लिपि में बहुत धर्म का जो संदेश होने लगा, प्रचार होने लगा, तब जाकर के तिब्बती लोगों के बड़े बड़े पंडितों ने हमारे जो हिंदुस्तान का हिमालय की जो सीमावर्ती है सीमावर्ती के धर्म में धीरे धीरे करके बहुत धर्म का प्रचार हुआ है, वो आज भी मौजूद है। तो इसलिए तिब्बत में बहुत धर्म का प्रचार ऐसे रूप में हुआ कि जैसे कि अध्ययन करके अध्यापन करके अंदर जो साधना करके भक्ता करके व्यसन नहीं है, पढ़ना लिखना शुरू हो गया। पढ़ना लिखना शुरू होने के बाद भारत के त्रिपिटा के अंदर गए, उसकी चिंता चिंतियों के अंदर गए, अंदर गए लगभग ऐसा वॉल्यूम ऐसा चाहिए जो 108 वॉल्यूम तो उसका गुरु वचन हो गया, गुरु वचन का अनुवाद 225 के लगभग 25 से 225 से ऊपर के वॉल्यूम जो है और उसके टीका छिपियों के अनुवाद हो गया। वो इतने ज़्यादा अनुवाद हो गया कि इतने ज़्यादा प्रचार हो गया कि तिब्बत के हर जनता जो है तो हर विद्यार्थी जो है वो दो धर्म को पढ़ने लगा है और पढ़ाने लगा है, उस पर लिखने लगा है। तो इसलिए वो धर्म के अध्ययन अध्यापन तिब्बत में इतने विस्तार से हो गया कि जितना दूसरे देशों में हुआ है ऐसा उसकी अपेक्षा तिब्बत में दुगुना नहीं है, चौगुना नहीं है, दस गुना नहीं है, सौ गुना ज़्यादा हो गया। तो जैसे कि आपसे मैं बताऊँ कि बौद्ध धर्म के संबंध में जो लिखा हुआ भारतीय मूल गुरु वचन है उसके टीका टिप्पणियों में टिप्पणियों में जो भारतीय आचार्यों में जो लिखा हुआ है उस पर अध्ययन और लिखना लगभग ग्रंथा के हिसाब से हिसाब ज़्यादा ज़्यादा हिसाब लगाया जाए तो इस समय लगभग 1,00,000 से ऊपर हो गया है। तो जितने मूल ग्रंथ है उसका तिगुना से ज़्यादा हो गया, तो इतने ज़्यादा हो गया है। तो इसीलिए लगभग 10वीं 12वीं 15वीं शताब्दी के अंदर तिब्बत में बारे में जितने जो बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन आज जो चलता था वो लगभग पूरा का पूरा आ गया। उसमें केवल अध्ययन अध्यापन ही नहीं है, पढ़ना लिखना ही नहीं है, उसकी साधना करने वाला क्या है, साधना करने वाला भी जो सिद्ध आचार्य है, सिद्ध आचार्य के बारे से ज़्यादा अधिक होता है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसीलिए जो 15वीं शताब्दी में जब हम देखेंगे तो बौद्ध धर्म के लगभग संग अंग अध्ययन अध्यापन और साधना करने वाले साधक को बोध में बोल देता है। तो साधना करके जो सिद्ध प्राप्त होता है उस आचार्यों के भी संकल्प को ज्यादा हो गया। तो इसलिए बौद्ध धर्म का जो विकास जो है हमारे जो सीमावर्ती हिमालय के क्षेत्र में जो बौद्ध धर्म का विकास जो है वो बाद में बहुत ही अनुवादित भाषा के रूप में प्रकार हुआ है, वो आज भी मौजूद है। तो इसलिए बौद्ध धर्म में लगभग पूरा अंग शेरवाड़ी के कुछ भागों को छोड़ करके बाकी बौद्ध धर्म के जो अध्ययन अध्यापन जो है इस समय तिब्बत में और हिमालय में जहाँ कहीं भी आप जाइए तो वो पूरा का पूरा आप अध्ययन कर सकते हैं, सो सकते हैं, देख सकते हैं, आप प्राप्त हो सकते हैं। कुछ ऐसा भी हुआ है तो परंपरा की वजह से कुछ अभाव भी हो जाता है, धर्म में कुछ कमी भी हो जाता है, वो उसमें कुछ टूट भी जाता है, कुछ गायब भी हो जाता है, और जो गायब हो गया है वो टूट गया है उसका भी लिखा हुआ पुस्तक के रूप में अध्ययन अध्यापन के रूप में तो नहीं है लेकिन हिमालय के जनता के कल्चर के रूप में और तिब्बत की जनता के कल्चर के रूप में वो आज भी मौजूद है।
हरियाली एक आता है, वैसे का जलता एक आता है, एक खश आता है, उसने इसे आया हुआ है। वो सब खश की परंपरा जो है इस समय मौजूद है। और खश की परंपरा इस समय जैसे कि आप लोग जानते होंगे हिमाचल में एक किन्नौर जगह है, हिमाचल में किन्नौर जगह है, वो किन्नौर की जनता जो है बड़ा खश है, उनकी भाषा के है, उनके नाम भी अलग मौजूद है, उसके परंपरा भी अलग मौजूद है। तो वो सब तो हम बताने नहीं चाहूँगा, लेकिन वो उन सबों में भी बाद में खश के जो परंपरा भाषा या जो लुप्त हो जाने के बाद तिब्बत की परंपरा बाद में जो तिब्बत से विकसित होकर के आया है वो सब अभी भी हिमाचल में मौजूद है। तो इसलिए भारत के जो उत्तर के जो हिमालय के क्षेत्र में जितने धर्म है उसमें छोड़ करके थोड़ा बहुत उसमें मुसलमान तो शायद नहीं है, और नहीं कोई कई नई जगह ईसाई का लोग हैं, बाकी सब आपके जो पूरे हिमालय जो है वो ग्रीस है। तो इसलिए उन हिमालय के क्षेत्रों से संबंधित जितने देश हैं, हमारे आसपास के जो जितने देश हैं, हिंद महासागर में जितने देश हैं, उसमें बहुत धर्म पर जिस तरह से विकास हुआ है, वो विकास हो जाने के बाद सबके प्रति सबके दिल में भारत की पूज्य देश होता है। हमारे पत्थर में हमारे बोधि दीक्षा तो है ही है, तो यहाँ के जो पेड़ पौधा है राष्ट्र को देकर के वो अपने देव में जाकर पूजा करते हैं। तो इसलिए भारत के प्रति हमारे आसपास के जो जितने हिमालय के लोग हैं, हिंद महासागर के लोग हैं, हमारे पास ही उन लोगों के दिल में जिस ढंग से जो आस्था है वो बहुत धर्म की वजह से होता है, बुद्ध की वजह से होता है, वहाँ फैला हुआ होता है, इसके वजह से उन लोगों के दिमाग में भारत के प्रति कोई भी मनीषा नहीं बता। पहले वक्ता ने पाकिस्तान के बाद जन्म के बाद राज होना था, तो वो मुस्लिम को छोड़ करके बाकी आसपास के देशों में हमारी प्रति कोई बेमनसिया नहीं होता है, वहाँ खतरा नहीं होता है, वहाँ आतंकवाद नहीं होता है। तो इसलिए ये शहर का उनके कल्चर में बौद्ध धर्म के कल्चर का जो विश्व कचरा का जो विश्व उसके अंदर कल्चर के अंदर चला गया है,